फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज आपको एक ऐसे काम से रूबरू करा रहा हूँ जो जिला बिजनौर के अंदर सिर्फ दो ही जगह पर होता है, या तो धामपुर या नजीबाबाद। लेकिन नजीबाबाद में छोटा मोटा काम ही होता है, इतने बड़े स्तर का काम नहीं होता जितना कि हमारे यहाँ धामपुर में होता है। और ये काम है बर्तनों को निखारने का। आपने और हमने जब हम छोटे छोटे थे तो पुस्तकों में पढ़ा था ठैसे ठटेरा। तो ठैसे ठटेरा क्या होता है मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने देग है और ये देग इस अवस्था में आई है, ये चूरे योगी लीकेज होगी कहीं से और इसकी तली आज बदली जाएगी। और ये इसकी तली को ये उतार रहे हैं आपके सामने और पूरा ये तली उतार देंगे ये। और बहुत दूर दूर से लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। क्योंकि बड़े बहुत ही बड़े स्तर का काम धामपुर में होता है ये, चाहे तांबा हो, पीतल हो, कांसी हो, अगर बर्तन ठीक हो सकता है वो तो ये ठीक करके उसे बिल्कुल नया करके दे देते हैं उसे। और कुछ कस्टमर अपना मार्केट में ले जाके बेच देते हैं बर्तन को अपने, लेकिन वो बर्तन फिर इन्हीं के पास आ जाता है और यहाँ से बिल्कुल नए तरीके से बना के और रीसेल होने के लिए फिर वो मार्केट में चला जाता है। और ये इन्होंने देखो ये इसकी तली उतार दी है। इस कार्य को करने वाले धामपुर में ये दो ही परिवार हैं और दोनों ही वंशज हैं एक पीढ़ी के। और एक परिवार है इनमें अब्दुल रशीद का और एक परिवार है उन्हीं के छोटे भाई मुन्ना कारीगर का, जो दोनों परिवार इस काम को आज भी कर रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। और इसको चक्का बोलते हैं, ये तांबे का है, इसको ये छेद रहे हैं और इसको ये शेप दे रहे हैं नई तली बनाने के लिए। और इनका नाम है मोहम्मद अनीस, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देग हैं उनका उपयोग जो है विवाह शादी में होता है और इसमें उड़द बनते हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। और ये लोग आए हुए हैं, ताऊ जी मैं आपको परिचय करा दूं इनसे। ताऊ जी कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से भैया? जीरन, नूरपुर के पास से गांव पड़ता है जीरन। जीरन से नूरपुर के पास, तो आप ये नहीं करा आए हो? ठीक है। और ये देखिएगा बिल्कुल पुरानी है, इनकी तली उतर चुकी है, तली उतार दी है और पूरे तली लगाएंगे ये। और ये तली जो चढ़ रही है उसका चक्का इन्होंने तैयार कर लिया है और इसको देखिए अब नापेंगे ये। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग कर दी जाएगी और फिर उसको एक टांका लगाया जाएगा। अब क्या करेंगे आप? इसकी चक्की कटिंग होगी, कटिंग होगी इसकी। ये जो इसकी ये निकली हुई है धारियाँ, अब इसकी कटिंग करके इसको जो है बिल्कुल रोल किया जाएगा एक बार और उसके बाद में ये रख के इस पर टांका लगाया जाएगा। ये जो कैंची नुमा है इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? कांती। कांती, और ये देखिए कांती कहलाती है, बड़ी कैंची हमारी भाषा में। अच्छा, चक्का इस देख की जो तली उतारी गई है इसमें फंसेगा ये। और इन भैया का नाम है जो आपके सामने ये चक्का तैयार कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं इसकी, ये मोहम्मद अरशद, पुत्र श्री शाहिद अंसारी, मोहल्ला महलसराय धामपुर। और ये इसके अंदर बैठा रहे हैं अब ये तली को। और उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, ये मुझे भी नहीं पता है। बने रहिए आप मेरे साथ, आज मैं पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा आज आपको। बहुत बढ़िया था। करूं? करूं। ये आप क्या कर रहे हो दोनों? ये इसको हम तली को फिट कर रहे हैं। तली फिट करी है हमने, ये फिट हो गई है, अभी छिलेगी उसके बाद पक्का टाप के साथ जुड़ेगी ये। ठीक 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 ठीक। देखिए इनके यहाँ जो है ये बहुत पुरानी पुरानी देग आती हैं और ये उनको इसी तरीके से बिल्कुल नया कर देते हैं।
मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। देखो ये इन्होंने बाहर से इसकी तली जो है लगा दी है पूरी, और इसको चारों तरफ से छेद दिया गया है। ये टांकी जो इन्होंने कटिंग की थी उसमें ये जोड़ ये ज्वाइंट बनाया गया है इसके लिए इस तरह से। ये और अब इसमें टांके लगेंगे। अब ये जो इस पे इन्होंने तली लगाई थी अभी ये कच्ची करी गई है, वैसे ही लगाई है ये कच्चे तरह से। और ये दिखा दूँ आपको, ये जोड़ लगाया जा रहा है इसमें, ये जोड़ लगा रहे हैं अभी ये अनीस। सर्दियों के दिनों में इस काम को करना भारी नहीं होता है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तब बहुत कठिन होता है, क्योंकि एकदम भट्टी के ऊपर बैठ के काम करना पड़ता है ये। तो मैं समझता हूँ बहुत कठिन कार्य है जो ये कर रहे हैं। अनीस ये क्या क्या चीज़ डालते हो, क्या क्या धातु है इसके अंदर मिला हुआ? ये पांच धातुओं का मिश्रण होता है हमारा, जो टाका बनता है जिससे। अच्छा, जिसमें हमारा तांबा होता है, ठीक है, पीतल होता है जी, और जस्ता होता है जी, और कांसी होती है, और इसमें सुहागा लगाया जाता है। सुहागा और मैं पांच मिश्रणों का हम टाका बनाकर वो ये होता है, ये हमारा ये टाका बनता है। फिर इसकी एक सिल्ली बनाते हैं हम ठोस, फिर इसको हम थोड़ा सा चूरा करते हैं, उसके बाद में इसमें सुहागा मिलाकर जब हम इसकी देख की जुड़ाई करते हैं। अच्छा, सही, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा एकदम सॉलिड। आप इसको कितना ही तोड़ लेना, टूटेगा नहीं है, और इसमें किसी तरह का कोई लीकेज भी नहीं रहेगा। लीकेज भी नहीं रहेगा, लीकेज का हमें यहाँ पता चल जाता है, लपट निकलती है। अच्छा, तो समझो कि लीकेज है, और ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो समझो ठीक है। अच्छा अच्छा, जहाँ ये लपट निकल रही है आपकी, जी सर, लीकेज है ये सारा, ये लीकेज है, थोड़ा थोड़ा करके सब बंद कर दोगे इसी तरह से? जी सर, ये सब बंद हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो देग है मतलब बड़ी पतीली मेरी भाषा में, हाँ, एक तरह से जी, तो ये पीतल की है शायद, ये तांबे की होती है। अच्छा, ये तांबे की है जी, तो जो पीतल की होती है उन पे भी लग जाती है तली? हाँ, तली तांबे पे भी और पीतल पे भी, दोनों तरह की देखो पर लग जाती है। अच्छा, उसके बाद में इन पे कलाई भी होती है? इसके बाद में कलाई होगी वो। और ये पूरी जोड़ दी है इन्होंने, चारों तरफ से बैठा दिया गया है, सारे का सारा टांका लगा दिया गया है इन्होंने बढ़िया करके एकदम। ये देख कम्प्लीट हो चुकी है, ये इन्होंने पूरी तली लगा दी है इसकी। और ये क्या घिस रहा है नहीं, क्या है ये? कंपाउंड लगाया जाता है एहतियात की वजह से, जिससे पानी ना निकले, इससे कहीं से लीकेज ना हो। निकलने का नहीं है, मगर एहतियात की वजह से लगाया जाता है। ठीक 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 ठीक। और फिर और जाते एहतियात की वजह से ये रह गया है। अब हम इनको केमिकल से साफ कर रहे हैं, इनका सारा मेल साफ होने के बाद उसके बाद इन पर कलाई होगी रंग की जी। और ये उधर तपाई जा रही है, तपाई के बाद में इन पे सफाई होगी। हाँ, कलाई हो रही है, कलाई हो रही है इसमें, और ये इसमें कलाई चल रही है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। और ये इस पे कलाई हो रही है, ये है रंग, दिखाना जरा एक मिनट, ये रंग है। अब इसके बाद में क्या होगा इसका? इसके बाद में पानी से धुलाई होगी। अच्छा। और नीचे मट्टी का तला लग जाएगा इससे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी, चलो ठीक। आप कहाँ से आए हैं कराने? सहसपुर, सिहारा से आगे पड़ता है ना ये देख आपकी है। और ये देख जो है कंप्लीट हो चुकी है। इन पे क्या कर रहा है भाई? इस पे मट्टी का तला लगाया जाता है। अच्छा, मट्टी का तला लगाया जाता है जिससे कि आग से जलने से इसकी मतलब तली खराब ना हो। अच्छा अच्छा, और तांबा खराब ना हो। ठीक, ये कंप्लीट हो चुकी। ठीक है भैया, ये देखिए इस डेक के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, और ये मशीन के द्वारा लिखा हुआ है, अबीद जहीर है, जहीर आबिद, जहीर आबिद, जहीर अबीद है वो, आज मुझे अक्षत के घर आना पड़ा, क्योंकि जो मशीनें हैं वो सारी इन्होंने घर पर लगाई हुई हैं। शॉप पे इतनी स्पेस नहीं है जो मशीनें लग सकती हैं वहाँ पर। और ये आपके सामने पीतल का जग है। और ये क्या हो रहा है मशीन पे?
पफ बोलते हैं इसको। और ये देखिए पीतल का बर्तन है, ये साफ किया गया है, पफ लग रहा है ये। और ये हो चुका है बिल्कुल एकदम नया। अब ये किसी का होगा तो वो इसको ले जाएंगे, और अगर ये मार्केट से आया होगा तो ये दोबारा मार्केट में चला जाएगा। और अब आपके सामने है ये पीतल का एक लोटा जिसमें टोटी लगी हुई है, और यही प्रक्रिया इसी के साथ भी अपनाई जाएगी, और फिर ये भी इसी तरह से बिल्कुल नया हो जाएगा। आमतौर से इन बर्तनों का उपयोग होता तो है नहीं है कहीं पर भी, लेकिन उपयोग कहाँ होता है? ये बर्तन शादी विवाह में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। माँ अपनी बेटी को देती है, बेटी अपनी बेटी को देती है, फिर वो अपनी बेटी को देती है, और इसी तरह से ये शादी में गए, वहाँ रखे गए, फिर ये काले हो गए। अब घर में कोई शादी आई, उनको देना है तो लोग निकाल के बाहर ले आते हैं, और फिर उनको नया कराते हैं, फिर उनको दे देते हैं। तो यही चलता रहता है इन बर्तनों के साथ में। हो गया कम्प्लीट। हाँ, और ये देखिए बहुत पुराना आया था, बहुत काला हो रखा था ये, और ये बिल्कुल एकदम नया हो चुका है अब ये। और इसी तरह से पुराने जो बर्तन लोग मार्केट में बेचने जाते हैं वो इनके पास आ जाते हैं, और फिर यहाँ से नए करके और फिर दोबारा मार्केट में बिक जाते हैं। ये देखिएगा आप इसकी कंडीशन, और अब ये भी नहीं हो जाएगी। चमक चुकी है, देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है इसके अंदर। और अर्शद ने ये बर्तन आज जो है साफ किए हैं बिल्कुल। दिखाइए अर्शद, और क्या क्या बनाया आज आपने? ये करा है बाकी, अब ये देखिए आपके सामने ये पुराने बर्तन आए हुए थे, अब इनको देख के कोई कह देगा ये नए हैं या पुराने हैं। और बाल्टी तो बिल्कुल फ्रेश है एकदम, ये बाल्टी दिखाने के लिए उठाती उठाती। ये देखो आप नीचे से भी दिखा दो इसके चली, ये पुरानी आई होगी ना बिल्कुल एकदम काली। हाँ बिल्कुल काली है, तुम्हारा फेस भी काला हो गया मशीन पे बैठ के। मशीन का भी काला है। और क्या क्या बनाया है? एक और कुछ है अलग से दिखाओ। हाँ दिखाओ, हाँ पुराने वाले दिखाओ आप हमें। और ये देखिए ये शायद ये कांसी है ना। हाँ कांसी, ये इस तरह से आते हैं बनने इनके पास, पुराने हैं ये। कांसी का दिखाओ एक मिनट, उठा के आ गया। ये क्या कहलाता है? कांसी का कटोरा। कांसी का कटोरा है ये। हाँ। और ये भी बिल्कुल नया हो जाएगा है ना। ठीक। और ये हुक्का, हुक्का है ये। हाँ। ये हुक्के की फर्सी है शायद। हाँ, फर्सी बोलते हैं हुक्का को है ना। और ये कटोरदान है पुराना वाला। हाँ। अर्शद अगर आप परेशान ना हो तो आप अपना जो है मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दीजिए इस पर। मोबाइल नंबर, हाँ 9897331978 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आप हमारे। एक बार और बोल दीजिए 9897331978। आप आसपास रहते हैं जिला बिजनौर से हैं, वैसे तो बहुत दूर दूर से आते हैं इनके यहाँ ग्राहक, पूरे जिले के ग्राहक आते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य जो है इतने बड़े स्तर पर हमारे धामपुर में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।